वेलकम टू द क्लास ऑफ सिविक्स ऑफ क्लास 10, दिस इज चैप्टर 2 पार्ट 6 वीडियो, यू कैन लिसन पेज नंबर 27। इन दिस वेरी वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट दैट वी हैव लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो। द पॉइंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वेरी सेक्शन इज फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंशियल पावर। लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंशियल पावर। द प्रेसिडेंट हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर्स। द मनी बिल्स, द मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रेसिडेंट कंसेंट। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा में भी ही इंट्रोड्यूस होगा, और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना आवश्यक है। इट इज एसेंशियल टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मनी बिल इन द लोकसभा, राइट? दिस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द बजट। द एनुअल बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर इज लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में रखता है, राइट? नेक्स्ट, द फाइनेंशियल पावर इंक्लूड्स द फाइनेंस कमीशन। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। द चेयरमैन and 4 members are appointed by him. It makes recommendation in the to the president on specific financial matters. हर एक 5 साल के फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और एक चेयरमैन और उसके अलावा 4 members उस फाइनेंस कमीशन में होते हैं। It recommends to the president on specific financial matter. ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है, सलाह देता है ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर। दिस इज द फाइनेंस कमीशन विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? दिस कम्स अंडर द फाइनेंशियल पावर। एंड अनदर पॉइंट इज कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कैन मेक एडवांस पेमेंट फ्रॉम इट टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर एंड रिकवर द सेम विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अब कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के पास होती है। ही कैन ऑपरेट द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया with the approval of the parliament. So this was all about the financial power of the president. ये financial power था president का जो हमने अभी पढ़ा। Next is the judicial power of the president. The next topic under the powers of the president is the judicial power of the president. Under the judicial power of the president of India is the following, has the following judicial power. Power to grant pardon or reprieve. President has the power to grant pardon, to remit or suspend the punishment or sentence or appeal for mercy. He can grant pardon in the following situation: all court martial cases. President जो है क्षमा भी कर सकता है, किन किन अपराधों में क्षमा कर सकता है, court martial case में क्षमा कर सकता है। If it is a punishment violating the union law, अगर union law को violation का case है तो president ही उसमें क्षमा करेगा। Next, he can commute a death sentence to a life imprisonment if the convict has been sentenced to death by the Supreme Court of India. अगर किसी convict को Supreme Court of India से death sentence इस दिया गया है तो उसको life imprisonment में life imprisonment में president convert कर सकता है। So this was the power to grant pardon and reprieve by the president. Next judicial power is not answerable to any court. The President of India is not answerable to any court of law for the exercise of his powers and duties. अपने powers और duties के discharge के relation में President किसी भी court में answerable नहीं है। वो अपने powers और functions, powers और responsibility के discharge के लिए किसी भी court में answerable नहीं है, correct? Next point is no criminal proceeding. No criminal proceeding can be initiated against the President in any court of law during his term of office. उसके टर्म ऑफ ऑफिस के समय ड्यूरिंग ड्यूरेशन में उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इनसाइड द कंट्री, राइट? दिस वाज द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो वी हैव सीन द फाइनेंशियल पावर्स एंड द जुडिशियल पावर्स। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अंडर द इमरजेंसी पावर वी विल बी डिस्कसिंग 3 emergency powers लाइक नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। Here it says an emergency may be defined as a sudden and unforeseen situation demanding immediate action. During an emergency, the president as the head of the state assumes extraordinary power. जब भी emergency होता है तो president जो है extraordinary power
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एज्यूम कर लेता है, उसके पावर पास कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ उसे दी जाती हैं अनफोर्सीन सिचुएशन को डील करने के लिए। तो थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और थ्रू आउट द कंट्री। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी किसी शक्ति से हमें आक्रमण का खतरा हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, अंदरूनी किसी तरह का विद्रोह हो या अंदरूनी किसी तरह की क्रांति हो या अंदरूनी किसी तरह का समस्या हो, तो भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है किसी देश के किसी खास हिस्से में या पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अंडर द इमरजेंसी पावर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, वी आर डिस्कसिंग द सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ही इज इम्पावर्ड टू डिक्लेयर द इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ फेलियर और ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ एनी स्टेट ऑफ द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तभी बिगाड़ा जाता है जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो किसी स्टेट का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कोई स्टेट अगर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करता है तो इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी लगाया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल ब्रेक डाउन और डेंजर टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो, तो इस सिचुएशन में जजेस और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनकी सैलरी को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अभी तक तो इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, सर्कमस्टांसेस विदिन एंड इट्स प्रोविजन। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड व्हेन द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट थेरऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी तभी लग देता है जब वहाँ पे इस चीज़ का खतरा हो कि वहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहरी आक्रमण का खतरा हो, आर्म्ड रिबेलियन मीन्स ये हथियार के सहित उसमें विद्रोह हो, ऐसा सिचुएशन आए तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी देश के किसी खास हिस्से में लगाया जा सकता है या पूरे देश में लगाया जा सकता है। देयर एम ऑफ प्रोक्लेमेशन इज टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश की सुरक्षा बनाए रखना। By taking control over the affairs of the state affected by armed rebellion or the external aggression, जिस स्टेट पर खतरा है, जिस भी राज्य पर खतरा है, उस पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूवल, नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट का अप्रूवल होना आवश्यक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी मेड अनलेस एंड अंटिल द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग। नेशनल इमरजेंसी तब तक भी लगाया जा सकता है जब तक कि कैबिनेट इस डिसीजन को प्रेसिडेंट को रिटर्न में कम्युनिकेट ना कर दे। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी इज दैट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेशनल इमरजेंसी तभी लगाया जाता सकता है जब इसको दोनों हाउस के सामने इस चीज़ को रखा जाए। इट बिकम्स इनऑपरेटिव अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाई बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाई अ रिजोल्यूशन विदिन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। एक महीने के अंदर जिस डेट पे इशू हुआ है उसके एक महीने के अंदर इसको जो है इसको अप्रूव हो जाना चाहिए। टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट अडॉप्ट अ रिजोल्यूशन बाई अ स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एंटायर हाउस एंड टू थर्ड मेजोरिटी मेंशन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दो तिहाई मेंबर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए। कह रहा है कि इट सेज दैट कि द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन बट विदाउट अप्रूवल, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड इन द राज्यसभा फॉर अप्रूवल। इफ इट इज अप्रूव बाय राज्यसभा इट मस्ट बी लेड बिफोर द न्यू लोकसभा ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। इफ द न्यू लोकसभा डज नॉट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन इन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ which it held the first meeting after the decision of proclamation is after 30 days, 30 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाता है। This you must read it. This is a certain situation given when the national emergency should be imposed and how it should be imposed.
ड्यूरेशन द नेशनल इमरजेंसी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट रिमेन्स इन फोर्स फॉर सिक्स मंथ, छः महीने तक नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल द प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट इफ द रेजोल्यूशन इज पास बाय लोकसभा विद अ सिंपल मेजोरिटी टू डिसअप्रूव द कंटिन्यूअंस। द प्रेसिडेंट कैन अप्रूव द कंटिन्यूअंस ऑफ द इमरजेंसी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ एट अ टाइम, एक टाइम तक छः महीने तक के लिए उसको एक्सीड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी को लगाने का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वेरी सेक्शन।